अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अच्छा रखिए, खुश रखिए। अल्लाह आपको हमको रिज़क अता फरमाइए। आज हम मुजीबास किचन में फ़िश फिलेट फ्राई कैसा बनाएंगे हम देखेंगे। चलो शुरू करेंगे। ये फ़िश फिलेट ले ली हूँ। इसी पे पेपर 1 टीस्पून, साल्ट 1 टीस्पून, बाद में ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, इसी को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। मैं मैदा 1 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर हम ऐड कर लेंगे। मेरे पास छोटा कप रहने से मैं 2 कप मैदा 1 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर ली हूँ। बाद में रेड चिल्ली 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर हम ऐड कर लेंगे। बाद में गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। आपके पास नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं। बाद में बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून हम ऐड कर लेंगे। ऐड करके हम अच्छा सा इसी को पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसी को हम अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। थिक बैटर बनाना है, बहुत पतला नहीं बनाना है। बाद में मैदा 1 कप 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर हम अच्छा सा मिक्स करके रख लेंगे। ये फिश फिलेट को पहला इसी पे हम इस सूखा आटा में डिप करके बाद में हम ये बैटर में हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह डिप कर लेंगे। डिप करके बाद में दोबारा ये सूखा आटा में हम कोट करके हम इसी तरह पूरा फिश फिलेट को हम कोट करके रख लेंगे। ये बहुत क्रिस्पी हमको बनने वाला है। अब देखिए तेल अच्छा सा हमको गरम हो चुका है। मैं अब 1 बाय 1 ये फिश फिलेट को इसी पे डाल के हम फ्राई कर लेंगे। एक साइड अच्छा सा हमको एक थोड़ा 3-4 मिनट्स के लिए छोड़ दो। फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखिए, बाद में हम पलटा लेंगे। इसी तरह करें तो हमको अच्छा सा फिश क्रिस्पी हमको फ्राई हो जाता है। देखिए अब मैं इसी को पलटा ली हूँ। ये हम नान में नहीं तो ब्रेड में सांबोली इसी तरह रख के हम सैंडविच जैसा बना के भी खा सकते, नहीं तो हम फ्रेंच फ्राई केचप मायोनेज़ के साथ भी इसी को हम खा सकते। आप भी आपका घर में बना के कैसे है बोल के मुझे कमेंट करिए। देखिए कितना अच्छा सा क्रिस्पी बन चुका है बोल के इसी को हम इसी तरह मायोनेज़ के साथ डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।